बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा तो धीरे धीरे अब शांत हो गई है, लेकिन लोगों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। ये बहराइच का कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ परशुराम सेवा संस्थान के तमाम लोग मौजूद हैं, अपनी शिकायतों को, नवसूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मंशा है, क्या आक्रोश है जो आज उनको बहराइच के जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ा है, और कौन सी ऐसी नवसूत्री मांगे हैं जो उनकी पूरी नहीं हो रही है। हम शुरुआत करेंगे, प्रदेश के यहाँ जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, ये बताइए क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम पंडित महेंद्रनाथ तिवारी है। आज आप लोग बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं और नवसूत्रीय मांगे हैं, पहले सबसे आप इन मांगों से अवगत करा दीजिए। जी, नंबर एक, मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ रुपए न्यूनतम सहायता राशि प्रदान की जाए। नंबर दो, सामाजिक अराजकता के लिए रोकने के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही हिंदुओं का उत्पीड़न रोका जाए, ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद किया जाए, ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए, पीड़ित ब्राह्मण परिवार को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर शीघ्र सजा दिलाई जाए, हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना किसी तथ्य व प्रमाण के न किया जाए। ये हमारी 8 मांगे हैं। और नवी मांग ये है हमारी, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं और पुलिस बिना तथ्य प्रमाण के गिरफ्तारी बंद नहीं करती है, तो 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को हमारे संगठन के साथ हिंदू समाज धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, इसमें आपकी एक मांग है नौकरी की, तो अभी हाल फिलहाल में देखा गया था जो पीड़ित परिवार है वो जाके माननीय मुख्यमंत्री से मिला है और वहाँ से आश्वासन भी मिला है नौकरी का, बावजूद इसके भी आप उसमें एक मांग शामिल कर रखे हैं, इसको किस तरह लेते हैं? चलिए, मुख्यमंत्री जी ने जो किया अच्छा किया है उन्होंने परिवार के लिए, परंतु जहाँ तक हमें विश्वास है कि नौकरी मिलना असंभव है क्योंकि पढ़ाई का उसमें बाधा हो सकती है, परंतु जैसे जिस तरह से उस बिटिया की शिक्षा है उस हिसाब से उसको नौकरी जरूर दिया जाए। तो क्या आपको विश्वास नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है नौकरी की बात और 10 लाख रुपए की? नहीं, विश्वास है, मुख्यमंत्री जी जो कहे हैं वो करेंगे भी, लेकिन हम लोग अपनी मांग रखे हैं, मांग भी कर रहे हैं, और यदि उनको नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अच्छा प्रदेश अध्यक्ष जी, ये बताइए जो घटना सांप्रदायिक हिंसा वाली बहराइच में घटी, क्या इसमें तत्व हैं, किसको आप दोषी मानते हैं, क्या कुछ होता जो ये घटनाएं न होती? देखिए, जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम वहां से पहले से प्रस्तावित था तो वहां भारी पुलिस फोर्स भी लगानी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो टोटल मुस्लिमों का गांव है और मुस्लिम क्षेत्र से होकर के मूर्तियां गुजर रही थी, उसी में अराजक तत्वों ने पत्थर वगैरह बरसाए, उसी में विवाद हुआ, गोली मारी गई, रामकुमार मिश्रा शहीद हुए, तो ऐसी घटना ना होती है प्रशासन अलर्ट होता। मतलब इसमें पूरा का पूरा दोष आप प्रशासन का मान? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करने के लिए कुछ साथी और भी हैं, जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कौन है जिलाध्यक्ष? सरावस्ती जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और उनसे हम सीधा सवाल मेरा ये रहेगा बुलडोजर को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें आप लोगों की जो नौसूतीय मांगे हैं उस पर बुलडोजर एक्शन की भी बात आई, PWD की तरफ से नोटिस चस्पा की गई, इसको आप किस तरह लेते हैं? अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी हुई नहीं है और हम लोग मांग करते हैं कि बुलडोजर से उनका मकान गिराया जाए, धराशाही किया जाए, और जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर नाजायज मुकदमा लिखा जा रहा है, उनको नाजायज जेल भेजा जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर बाजार में कहीं केले पे अगर वो केला खरीद रहा है उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, ये सरासर गलत है। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो हम अपने परशुराम सेवा संस्थान के ओर से और समस्त हिंदू संगठन एकत्रित होकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे आपने कहा बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधी वहां पर एक है, घटना एक घर पर घटी है और जो नोटिस चस्पा हुई है लगभग 23 मकान है, इसको किस तरह आप लेते हैं? क्या आपका मानना है कि जो और भी मकान है उस पर चलना चाहिए बुलडोजर? बिल्कुल चलना चाहिए, उसमें जांच हो करके जो जिनको दोषी पाया जाए उन सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये जिलाध्यक्ष जी हैं सरावस्ती के, इन्होंने साफ तौर पर कहा है जो दोषी हों उनके घर पर अवश्य बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, एक दो लोग से हम और बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? पंडित विकास कुमार पांडे। क्या हैं आप? जिला प्रभारी IT सर बहराइच। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की, क्या सोच कर आए हैं? हम लोगों की मांगे ये हैं कि जिस प्रकार से घटना को आज लगभग 15 दिन के आसपास पूरा होने को है और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, तो उस प्रशासन की कार्रवाई में भी हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो है अराजकता कम करने के नाम पर
कम नहीं की जा रही है, कम करने के नाम पर हिंदुओं को नाजायज तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए जो घटना हुई इसमें बहुत सारे लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो भीड़ थी लोगों की, उसमें आगजनी की घटना लोगों ने कारित की और भी बहुत सारा नुकसान किया उस क्षेत्र में, इसको क्या मानते हैं? नहीं, जो नुकसान किया वो गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन उसके नाम पर यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई प्रमाणित सबूत नहीं है, तो उसके नाम पर हम किसी को तो प्रताड़ित करने देंगे नहीं। यदि आपके पास कोई प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है, आप उसको ला करके अगर किसी को सजा भी देना है आप दीजिए, उसके लिए परशुराम सेवा संस्थान जो है आपका कहीं पर विरोध नहीं करेगा। लेकिन ये मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी जो निर्दोष को अगर प्रताड़ित किया गया, चाहे वो प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर हो या किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में हो, परशुराम सेवा संस्थान उसका विरोध खुलकर करेगा। आज आप लोग कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं, आगे की रणनीति क्या हो? आगे की रणनीति यही है जो हमारी 9 सूत्रीय मांगे की गई, 8 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें 9वां बिंदु हमने यही इसीलिए ऐड किया है कि जो भी अगर हमारी कार्रवाई जो मांग की गई है उसमें यदि प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है और उस पर अमल नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य होंगे। जिसकी बिल्कुल जितना जो है हम लोग विधेयक के अंदर रह के कानून के अंदर जो भी हम लोगों से धरना प्रदर्शन होगा हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर भी मुकदमा लिखवा दिया है, इसको किस तरह लेते हैं? ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, जहाँ पर घटना हुई हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तथा कथित जो हमने सुना है लोगों के मुँह से सुना है, माननीय विधायक जी की जो FIR है उसकी भी हमने कॉपी देखी है। इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है कुछ? इसको लेकर आक्रोश जो है वो आक्रोश जब रहा होगा तब रहा होगा, क्योंकि उस समय जो भीड़ उग्र थी, हत्या तत्कालीन में हुई थी, उसका शव लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जो भी हुआ हो मैं मौके पर मौजूद नहीं था, जैसा मैंने सुना है उस हिसाब से विधायक जी की गाड़ी पर पथराव किया गया। विधायक ने ये भी मेंशन किया है कि उनके ऊपर फायरिंग हुई जिसमें वो बच गए, लेकिन जो उसमें एक गिरफ्तारी हुई है पंडित पुंडरीक पांडे जी की, मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जो है जो FIR ऊपर दर्ज की गई है उसके विषय में ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो बहुत ही योग्य आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति अराजकता में कभी सम्मिलित नहीं होगा, पत्रकार भी रहे हैं, एक दो नौकरियों से इस्तीफा लगा करके वर्तमान में वो शिक्षक पद पर है। ऐसे व्यक्ति से अगर कोई ये कह रहा है कि उसने पत्थरबाजी किया है या अराजकता में जो है कोई आपको क्या लग किया है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि यदि कोई भी कदम उठाया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसकी पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना जो है किसी वैलिड प्रूफ के अगर गिरफ्तारी की जाती है या किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो भी हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो ये परशुराम संस्थान के लोग हैं, अलग अलग लोग थे, अलग अलग बातें इन्होंने कही है। बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में आकर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को मजिस्ट्रेट को सौंपा है। अब ये देखने वाली बात होगी जो इनकी मांगे हैं वो कितनी कारगर साबित होती है। बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।